श्यामा जी के चरण कमलों को ले खाली गहा तो देते हैं। लाख तली लाल एरिया पिया में पाऊं कैसे, तो लगा और देखो को गाने से इश्क होता है, है? आशक जो है क्या वो गलियों में जाते फिरते हैं क्या मेरे माशूक, मैंने चिट्ठी लिख मैं तेन पाऊं कैसे, है खलड़ी रहा तो पा। अरे आप गवाई है पाई है मलाक नहीं है पार्थम को पाना, पर स्वामी जी कहते हैं सखी और मेहर और धनी की देखो कि कर दिया अति सुहन सरल कर दिया, यही बैठे कुछ करो भी नहीं इतनी ही बैठे घर जाके धाम और पूर्ण मनोरथ हुए सबका। कैसे बैठे परम धाम में ये बैठक है, अब यहां से को उंगली डाल के भी दिखाओ हंस रहे हैं यहां यूं खेल करके एक दूसरे के साथ फंस के और एक चिपट के बैठे हैं एक दूसरे को वायदा करके सकेगी अगर मैं भूलूंगी मुझे तो सुधार करते हैं बोल बैठे इशारे करते ही कह तो बोलना लग गई, अगर तू भूलेगी मैं तुझे बता दूंगी। अरे माया एक होगी और हम बारे रात होंगे एक एक मुक्का मारा ये माया का भट्ठा करके रखते ये परम धाम की बातें। अब यहां खुशी वाणी इतनी क्लियर साफ सुथरे मिल रही है आकर समझ रहे हैं कोई फारसी नहीं कोई अंग्रेजी नहीं और फिर भी अमन ना हो रैनी ना हो कुछ मिलने वाला नहीं है तो सत्ता जी फिर नहीं कहना ये बताया सुनने ज्यादा से अमल थोड़ा करना बहुत अच्छा है। कितने की चर्चा सुनते थे बस बोलो कोई सीमा बांध लो जी 40 साल तक अभी चर्चा सुननी है फिर उसके बाद अमल करेंगे और गाड़ी एक करते हो तो मरते दम तक नहीं छोड़ना अंधे घर ही नहीं जाना जी इन्हें संतानी की दादा नहीं थी। ये है बुद्धि यहां की ये है दिमाग यहां का ये है माया यहां की जो हमें राज्य से जुदा करती राज्य की वाणी धड़ाधड़ पड़ रही है एक इतना भी असर जो है हमारे कलेजे पर होने नहीं है माया देती उस राज की रात को ढूंढने के लिए खोज खोज ब्रह्मा वेद थक गए शास्त्र थक गए व्यास भी थक गए प्रतिबिंब का वर्णन तो कर दिया पर उस अखंड राज का वर्णन आज दिन तक कोई नहीं कर सका। अटकल तो बतेरी करी लोगों ने पर जब वो थे योग माया के ब्रह्मांड में रात हो रही थी और इंद्र काल माया के ब्रह्मांड का प्रलय हो चुका था किसी को पता नहीं चला कि बड़ा सुई कहाँ है तो उसका वर्णन कौन करेगा यहाँ पर उस महाराज अखंड राज जो नित्य वृंदावन में जो राज्य महाराज ने करी थी किसी के हाथ में वो चीज नहीं आई बिन मोमिन ना पावे। आज मोमिनों से त्रिला लीला पूछो प्राग से कह रही है कि उस योग माया के व्यक्त के अंदर जो है ब्रज अखंड है जहाँ बाल मुकंद विष्णु भगवान बने और बाकी बिहारी का तन योग माया का था लीला करने के बाद लास्ट में अब अक्षय ब्रह्म ने कहा अखंड कर दो राजू उसको अखंड करके देखे वापस परम धाम मोमेंट जो है कड़क कड़क खोल करके किस चीज का भेद बता देंगे पर दुनिया वाले उसको जानते नहीं वो समझते यही मतलब जबकि भागवत कहती है कि इसका महाबलने में नाश होना है और वो तो सदा अखंड है आज भी अखंड है वो रात सदा अखंड है रहेगी चंद्रमा है नित्य वृंदावन है बंसरी वाला है और राधिका रानी है रास की राम से हो रही है बाकी और कुछ नहीं है वहां पर है रासलीला खेल के फिर तुमने जब ये ब्रह्मांड मांगा दोबारा माया मांगी तो स्वामी जी ने कहा कि अब तुम्हें ज्ञान से समझाने के लिए क्योंकि ब्रजराज में तो तुम थे इश्क भी लीला प्रेम और सब कुछ था पर तुम्हें कुछ भी ज्ञान दातम वहां नहीं था इस कारण से ये ब्रह्मांड दोबारा बनाना पड़ा रूए आती ब्रजराज में प्रेम था लक्ष्य में हम अकेले प्यासे ज्ञान भाव जब ऐसे किसी से प्रेम हो जाता है
ऐसे ही श्री कृष्ण जी जमुना तट पे बांसुरी बजाते थे। हम चले तो जाते थे पर हमको ये खबर नहीं थी कि ये अक्षातीत हमारे धाम के। इस बात से स्वामी जी कहते राजी महाराज कह रहे कि तुम्हें शुद्ध दिलाने के लिए मेरी शादी क्या है और तुम्हारी शादी क्या है, तुम किस परम धाम के अखंड आनंद के बारे हो और जाना तुम्हारी एक मिथ्या माया की पूरी होती। इस बात से ये ब्रह्मांड बनाना पड़ा और यहाँ परम धाम का को ज्ञान लाना पड़ा ताकि ज्ञान के द्वारा तुम्हें तुम्हारी पहचान हो कि हम कौन हैं। अक्षरातीत हमारे धनी हैं और हम उनकी अंगना है और दिमाग हमारी जो है मिथ्या माया के बिना और कुछ है ही नहीं। एक तीसरे दिन की लीला है, कई माध्यम भी मोहम्मद साहब ने वहाँ करके बताए पर मुसलमान लोग उस समय के प्रसिद्धि मंदिर थी वो पहचान न सके। आप चौथा दिन कौन था श्री धनी देव चंदी जब हम लोग फिर इस विमान में आए आकर के श्री देवचंद जी ने हमें लेकर की जब आ गए विमान में पहले रसूल मोहम्मद साहब आए वो तीसरा दिन, चौथा दिन सतगुरु श्री धनी देवचंद जी का है और पांचवा स्वामी जी का परम धाम का कौन खजाना लाना और बुद्ध शिक्षण का तारक लहर होना आपको जमा इमाम जी का लहर होना इसको पांचवा दिन कहते हैं। और छठा दिन मोमनों को इकट्ठा करना जुम्मे की नमाज को पढ़ना एक छठे दिन की लीला है। एक दिन की लीला बची जब श्री राजीव राय सारी दुनिया को आठ विष्णु में अखंड करेंगे और हमें परम धाम लेकर के चलेंगे। स्वामी जी कहते हैं जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना ये मैं तुम्हें दिखा के ले चलूंगा तब तुम्हें पहचान होगी। ए माधव मोमिन देखी मतलब देखेंगे तुम्हें सारी आंखों से एक चीज दिखाऊंगा और वाणी में भी लिखी बातूनी काम सब किए ध्यान के साथ सुनो के बातूनी काम सब किए जाहिरी किया न कोई। जब बातूनी जाहिर करूं तो महामती कहलाऊं कि जो कुछ मैंने बातूनी ज्ञान के द्वारा करना था वो तो मैंने कर दिया और जाहिरी काम अभी मैंने कोई भी किया नहीं और दुनिया के सामने जब तक जाहिरी करेंगे नहीं तब तक ये दुनिया मानने वाली है ही नहीं। मोमनों तुमको केवल वाणी से इशारे से समझाना क्यों तुम्हें खाली तातम नहीं देना ब्रह्म सृष्टि को सुख घर था और ईश्वरी को देनी शुद्ध और मुक्त करना ब्रह्मांड को धनी जी लाए नहीं जागृत बुद्ध ब्रह्म जी सृष्टि को तो खाली बख्शिश कर देनी है। भाई इनकी दुनिया में आए हैं अगर इनको अखंड ना करके गए तो इनको कैसे पता चलेगा प्रहना दिया थे। ये लोग वाणी से समझने वाले नहीं लाख इनके ऊपर जो है चर्चा सुनाते रहो मत्था फोड़ते रहो इनके ऊपर असर हो गए। क्यों जो लोग जीव विचार विकार ना हटे जो लोग लगे जो चिकने करे जैसे चिकने करे के ऊपर पानी डाल दो छीटा नहीं पड़ता। जब तक जीव विचार करके अपने विकारों को नहीं काटेगा तब तक लाख वाणी उसको सुनाते रहो चिकने धनी की तरह से नीचे फिसलती जाएगी असल पर नहीं होने वाला। स्वामी जी कहते हैं मैंने पांच दिनों में कुल अर्श का खजाना ला करके रख दिया अब मैं हो गया बुढ़ा तो बाप के खजाने का कौन वारस होता है बेटे। स्वामी जी कहते हैं अब तुमने भी तो परम धाम में डींगे मारी थी ना कि राजी महाराज हम बड़े आशक है मैंने खजाना भी चला दिया ला दिया दुकान भी चला दी ग्राहक भी बना दिए और लो चाबी हम जरा कमा के एक साल तुझे छठा दिन दिखाओ सत्रह दिन साथ नहीं कर लागे कि मेरे मूल भी मूली भी गवा दी है कि कुछ तुमने साथ मिला छठा दिन अब तुम्हारे हाथ है चाबी तुम्हारे हाथ है खजाना अर्श का तुम्हारे हाथ है। स्वामी जी कहते हैं अब मेरे इस खजाने के वारस तुम हो मैंने अकेले ने तुम सबको दुनिया में जाहिर किया है तुम सारे मिलकर के मुझे एक को जाहिर करके दिखाओ तो मैं तुम्हारी जीत मानूंगा कि शाबाश बेटो शाबाश वाह भाई मोमनो वाह। तो तुम क्या करोगे
अंदर पधराओगे राज जी और बाहर चर्चा किसकी करोगे? भागवत की। सारे जागना जाने कोई भी नहीं आना लगे थोड़े मूरी मेरी गवाह करके बैठे हो गए क्यों? अजी असी सी साडा की कसूर सी महाराज जी ऐसा कर रहे सन क्यों? चवाड़े नहीं तोड़े जाते उनका दादा नहीं पकड़ा जाता कि ये कर क्या रहे हो? राज्य की वाणी कौन सा बदला के और बाहर जरा चर्चा व्यास की कर रहे हो क्या? व्यास और अक्षा तीर्थ एक हो गए क्या? कहने का दम नहीं क्योंकि मुर्दे हैं मुर्दावर हैं। अगर हमारी बीवी पर हमारे माँ बाप पर हमारे रिश्तेदारों को गालियां देखे देख देखे देखो कितनी ताकत आ जाएगी। इतना भी दर्द हमारे दिलों के अंदर नहीं है कि हमारी वाणी को रोंदा जा रहा है और ये लोग जो है अपने पिता दुख पेट पालने के वास्ते और झूठी शान के लिए राजस्थान जी की वाणी पर ठाप रखे। हमें किसी को दर्द होता नहीं है झूठी शान के लिए राजस्थान जी की वाणी पर ठाप रखे। हमें किसी को दर्द होता नहीं है। स्वामी जी कहते हैं मैंने तो कुल खजाना अपने जय भी खीसे खाली करके चालू देते पाई भी को नहीं रखी जो मिले। स्वामी जी कहते हैं मैं रहा कैसे जो मिला मुझे जिन भांसो मैं मिला तिनको तीन भी तीन जैसे पूतना आई मां बन के या आओ माता जी दूध पिलाओ आओ दूध ही तो पिया था रिवाल्वर तो नहीं चलाया था ठीक। स्वामी जी कहते हैं जिस भाव के साथ मेरे पास कोई आता है मैं पैसा ही खोल के मिलता हूँ। जिन जैसा चीना मोहम्मद को तासों तैसी रखी ज्ञान यूं बदला पाए देखिए चाहे जीत चाहे हार। स्वामी ने कहा मेरे पास जिन जैसे भाव से आओगे ना दुनिया को ठग सकते हो पर धनी ना जाए दूध्यो किंतु अनेक करो। मेरे पास पूतना भी आई अघासुर भी आए अभगासुर भी आए ब्रह्मा भी आया इंद्र भी आया रुद्र भी आए गोपाल भी आए और शक्तियां भी आई सबको वैसा ही मिला। ग्वाल बाल आए ग्वाल बाल होके मिल गया और पूतना सुदना आई तो उनको उनका जो है काल मौत होकर के मिला। ब्रह्मा आए शंकर आए उनका भगवान होकर के मिला। ब्रज की गोपियां आई मेरी आत्माएं तो उनको दाम का जैसा भी मेरे पास भाव लेकर के आता है मैं उनको वैसा ही होकर के मिलता रहा। उनको से उस तरीके से मैं मिला अंदर मिहर और बाहर कहे कि अगर कोई सीधा नहीं होता तो यार लातों के नहीं बातों से माना करते और यार घूसों के नहीं इशारों को जाना करते। स्वामी जी कहते जैसे माँ के दिल में बच्चे के लिए कभी दुश्मनी नहीं होती एक बार प्यार से समझाएगी दो बार समझाएगी तीन बार समझाएगी चौथी बार वट के थप्पड़ मारेगी। वो जो थप्पड़ होगा वो प्यार होगा कि दुश्मनी? प्यार उसको सीधे रस्ते पर लाने के लिए। इसीलिए स्वामी जी कहते अगर मैं कभी कहर करता भी हूं तो कहर ना समझना क्योंकि मेरे पास कहर है ही नहीं। वो कहर भी मैं कहर भी करता हूँ तो वास्ते मेहर के करता हूँ कि इसका भला हो जाए। स्वामी जी कहते हैं ये मेरी पहचान है अब तुम पहचान सको तो पहचान जाओ मेरी तीन सूरत पाल कहते हैं मेरी तीन सूरतों को धारण करना जो इस विमान में मैंने आकर के तुम्हारे लिए धारण की है। दुनिया को वाले पहचाने या ना पहचाने क्योंकि वो वजूद धर्म के कर्मकांडों में फंसी रहेगी तुम मेरी आवाज को मेरी आत्म को पहचानना। मैंने तीन सूरतें जो धारण की है बकरी मलकी और मोहम्मद साहब देवचंद जी और एक इमाम मेहंदी आखिरी सूरत जो है इसके अंदर शक्ति राज इमरा की तीनों के अंदर बैठी हुई है। पर जहां जितना काम करना था उतनी ही शक्ति डाली। अब हमें बिल्कुल जानवरों को जाकर के सीधा करना था तो वहां पर जाकर तो की क्या जरूरत थी केवल अक्षर की आदम और अपनी आवेश की शक्ति के द्वारा कुरान किताब उतारना था वास्ते तुम्हारी गवाहियों के इस वास्ते उतना ही उसके अंदर शक्ति डाली। उसके बाद शामानी के अंदर तीन शक्तियों से काम लेना था।
जागनी उनसे करवानी नहीं थी, ईश्वर से जागनी वाली शक्ति उनके अंदर रखी नहीं। सुंदर भाई ने देखा दिल के दीदो माहे ब्रजराज और धाम की पर जागनी की सुधर। इस वास्ते अक्सर चिठिया रोज राजी महाराज को देख करके देखती रही, वहां सिफारिश की जाती। वो काम पहले से प्रोग्राम जो तय है, जिस तन से जितना काम देना है वो शक्ति उतनी उसके तन में रखेंगे, शोभा तन को मिलती है। काम किसने करना? काम राजी ने ही करना, किसी के तन को कभी। हाँ, जब तक वो तन है और उससे कुछ मिल रहा है, ठीक आदर भी करना, सेवा भी करना। जो स्वामी जी ने नलिये में धाराबाई को क्या कहा था, केवल जहां मेह राजी की होगी वो सुंदर साहब की पूजा भी करेगा, सेवा भी करेगा और फिर भी डाल देगा। क्यों? अगर तो दुनिया वाला प्यासे राजाते को पानी भी पिला देता है तो जाते हुए की क्या कहता है? वही शुक्रिया, धन्यवाद आपका, मेहरबानी आपका, थैंक यू। अगर खाली पानी पिलाने से कुछ थैंक यू हो जा देता है तो जो हमको अश कर, अरे देते तो राजी महाराज है, पर जो जिस तन से हमें वो प्राप्त होता है उसका धन्यवाद थैंक यू करना तो कोई भाव नहीं। पर उस तन को श्रोता कहाँ रखनी, तन में नहीं चिपकानी, नहीं तो स्वामी जी 8 साल पन्ना जी में बैठ के खुद कीर्तन कीर्तन करते थे। जानिए खुद कीर्तन करते थे और सबको मोल मिलाने का कीर्तन करवाते थे कि ठीक है राजी महाराज मेरे सब कहते मेरे तन में बैठे, लेकिन तन छुटेगा तो फिर क्या करोगे भाई? जब तक तन है तब तक तो ठीक है, तुम जो भी इसको मानते रहो, लेकिन असल नजर जो रखनी है, असल सुरता जो अपनी बचानी है वो तन से नहीं जुटानी है। वो सुरता मूल मिलावे में युगल स्वरूप राजी श्यामा जी के चरणों में सदा अपना जो है ध्यान रखना है। तुम इस बात को अच्छी तरह पहचानना, इस बात से अच्छी तरह समझ आना, सके मौनों के बिना और कोई भी दुनिया वाला नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि मौनों के पास पहचानने की जागृत बुद्ध नहीं रखी। दुनिया के पास ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इन भेदों को ना जान सकता है, ना पहचान सकता है, ना अमल कर सकता है, ना रही पे चल सकता है। जिनकी असल सीधी एक एक बात सुनिए, तुम जाके खुदी क्यों नहीं है, जिनकी जो है असल अर्श में है। स्वामी जी कहते हैं ये खजाना पहले उनके वास्ते, क्यों? बरात आती है तो लड़के वाले ने उसे पूछने जी तुम्हारी बरात कितनी को होगी, कहते 200-250 रुपए थे, आजकल रिश्तेदारी यार दोस्ती है 200-250 तो आई जाए। अच्छा खलवाई तो कहने लगे 400 आदमी की रोटी बनानी, 250 बराती होंगे, 150-150 भी हो जाए। हलवाई एक ही मेनू बनाता है, एक ही बर्तन में बनाता है, एक ही तड़का लगाता है, एक ही चावल बनाता है, एक जैसा ही मेनू बनता है, पर कहने खिलाते किसको? चाहे यार दोस्त कह भाई सामने जल्दी भाई जल्दी तो है यार रुक जाना, बरात आ गई सामने देख उन्हें बरात खड़ी होगी ना तुम्हें लगता है, पहले बरात को खिला देंगे, पहले किनू खिलाना है? जिन्हें वास्ते सारा कुछ रचा गया है पहले तो उनको ही खिलाया जाएगा, और फिर रिश्तेदार भी खाओ यार भी खाओ और उस तो बाद डेंटा से कुर्सी हवा लगी होना ही खुआनी खुआ के जाना उन्होंने। इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं जिनकी असल है अर्श में पहले उनको ये पहचान होगी, क्योंकि ये सारा कुछ उनके लिए किया गया है, हक़ उनको जो है ईमान दिया है वाणी ला करके, और कोई ना समझे गंदा माइको से नहीं कितनी गंदना कर करके कहते रहो। स्वामी जी कहते हैं कहती हूँ उम्मत को सुनती सब संसार पर मकसूद दिल को हो थी, जो करती है विचार और विचार करने की शक्ति जो है स्वामी जी कहते हैं वो मैंने मोमनों के अंदर जो है बल फिट कर रखा है, वो चर्चा सुनते ही पकड़ते चले जाएंगे, और दुनिया को पहले ईमान आ ही नहीं सकता। बिना अंकुरे आप सुनाओ चर्चा, जैसे उसने रेडियो टीवी की आपको मिसाल दी थी, उनके अंदर बल्ब माया के फिट है और तुम्हारे अंदर बल्ब जागृत बुद्ध परम धाम के हैं, इसलिए दुनिया वालों को समझ नहीं होनी। क्यों? तुम आज तक कीर्तन शुरू कर दो,
पिया पिया बोल सखी पिया पिया बोल पिया पिया बोल खून बार मारे को हनुमान का भक्त या राम का भक्त किसी मंदिर चर्जन तकलीफ नहीं जाने हनुमान की जय बजरंग बली हनुमान की जय बोलो सीता राम की राधे श्याम की हनुमान की बजरंग बली की महादेव की धर्म नवा चल गया पिया पिया बोल सखी पिया पिया बोल भाई सानू तो समझ आओ आप चंगे हनुमान जी के मंदिर स्वामी जी कहते हैं दुनिया वालों को पिया पिया जब कहोगे वो त्वचम में आ जाएंगे क्योंकि नवदास है और चौदह भवन में पिया पिया कहने वाला कोई चौदह भवन में हो तो वो समझे कि कौन सा धर्म है इसलिए ये सिर्फ तुम ही समझ सको और तुम ही इस दर्द को जान सकोगे दुनिया सुनती भी रहेगी फिर भी उन पर कोई असर होने वाला नहीं है पहचान कहां से आएगी स्वामी जी कहते हैं पर ये बात माया को क्योंकि हमने शक्ति दे रखी थी कि ए माया मैं मोमनों को भले जगाऊं भी सही पर तुमको तुम इनको ईमान आने नहीं देना कहने के पहले तुम ही देखो कि जब ये वाणी अर्श से उतरने लगी तो मेरे हाथ साथ क्या तुम चुप हुआ पहले तो मेरी मिनिस्ट्री छिन गई फिर मेरी बीवी छिन गई फिर वाणी ने उतरना था तो उठा करके मुझको जेल में डाल दिया इसे ज्यादा दुर्गति मेरी क्या होती कि वाणी उतरते समय भी मेरे साथ ये असर हुआ और माया ने ये मेरी हालत कर दी कि मिनिस्टर होते और अभी मेरा पैसा बकाया था लेकिन गली गली में मुझको सब कहते थे मेरा खाता चोर है मेरा खाता चोर है लेकिन मैं तो नहीं घबराया था सामने कहते हैं क्या मैं घबराया आकर सत्य की बहुत बुद्धि है पर सत्य को जाहिर करने के लिए जरा ऐसा आसानी की दिल चाहिए हिम्मत चाहिए यकीन और ईमान चाहिए जी कहते में बोल ऊंचा तुम्हारा ही होगा हमेशा जय जयकार सत्य की होती है झूठ की कभी जयकार नहीं हुई जब ये वाणी नाजल हुई थी उतरनी शुरू हुई थी अच्छे देर में कहते फिर जब जामा दूसरा पहना इमाम ने खुद मेरे तन में राजी मेरा जोर से उगा करके बैठे तब दज्जाल ने जाना ले भाई अब मुझको ये मार के छोड़ेंगे क्योंकि देवचंद जी के तन में तो वाणी थी नहीं इसलिए वो चमत्कारी लीला जो आई का करते रहे और उसके बाद सबने क्या सोचा कि हमारे दाल नहीं मर गए कहने लगे वो तो मैं इनका कर दिया था मकड़ा फिर पर अब ये जो वाणी पर धाम की लेके आ गए है ना ये काम गड़बड़ है इस वास्ते ध्यान के साथ अरे मुखी बच्चे हैं तुम्हारे कहीं नहीं भाग के जाते जरा बच्चा सिगरेट करता है सब बाहर जो बैठे हैं वो समझते हैं शायद कोई थी नहीं और तो नहीं गया यही माया यही तो माया जिसका वर्णन कर रहे और कर क्या रहे अब जब ये वाणी आई तो आप कोर्ट में वाणी की चर्चा से गिराए हुए मोमनों का ईमान जब फिर पक्का हो गया तो माया से सहम ना हुआ वो सामने आकर के खड़ी हो गई अपना रूप धारण करके राजी के स्वामी जी के सामने आके खड़ी हो गई जो स्वामी शीतलानाथ जी है ये मुझे मारे बिना दमन नहीं देंगे और ये मोमनों को छुड़ा के लेके जाएंगे पर मैंने भी मोमनों को माया से निकलने नहीं देना क्योंकि मुझे भी शक्ति किसकी दे रखी है उपनी चंदनी मोदी राजीव राज की मुझे भी शक्ति दे रखी है देखूंगा मोमन कैसे रहे आपसे निकल के जाते हैं पर अब सामने आ गई और कहती है राजी महाराज आप फोन गेम खेल रहे वैसे कोई खड़ा नहीं मुझे आपने माया की शक्ति दी है और खुद परम धाम की शक्ति ले दिया गए मैं इसका मुकाबला किसके साथ करूं राजी हो गया अक्षर की तो फोन गेम खेलते हो परम धाम की वाणी को दो छोड़ और फिर जगा अपने मोमन मैं देखो कैसे मोमन तुम्हारे जाते अब तुम जो वाणी परम धाम की ले आए हो अब इसका मैं मुकाबला करूं तो किस तरह से करूं इसकी तो एक हिट लगती है जहां जय करेगी मैं वहां से तुम दुबा के भागती हूं पर मैं करूं तो क्या करूं अब बड़ी मुश्किल से जाके मैंने चार बम बनाए और चार ऐसी चीजें बनाई है कि तुम मोमनों को चर्चा सुना उनके पीछे पीछे अपने चार जो है फौजें बना रखी हैं ऐसी
फिर तुम्हारी चर्चा तो उसी वक्त जो है स्याही मिटाना नहीं, दवाई नहीं होती लिखना मांगे दिलों के उत्ते मैं उन्होंने दिला तो उस वे ला देगा। राजी के सामने माया आके खड़ी हो गई, कहने लगे नहीं क्या चीज है तेरे पास, कहने लगे जी ये और फॉर्म खेल रहे, ये मैंने बता दिया है तो इसका मतलब मेरे से पूछते हो, आप मेरे मालिक हो तो इसका मतलब है मैं इनकार तो आप कर नहीं सकती, इनकार करूं तो आप कह दोगे हुक्म दिया जाता है तो हुक्म को मैं कैसे डालूंगी, लेकिन ये है नजायज सारी बातें। एक तो मैंने तुम्हें कह दिया अभी तुम्हारे उस चर्चा के सुनाने की मैंने स्याही बना रखी है कि जो मोमनों के दिल से हटा देगी, जहां तुम्हारा मोमन जाता होगा मैंने चार चार ठगों की टोली उनके पीछे लगा देनी है, एक ठग के हंसना है तो दूसरे के आ जाएंगे, दूसरे के ना तीसरे के आ जाएंगे, तीसरे के ना चौथे के आ जाएंगे। एक बार एक पंडित जी किसी यजमान के घर गए, वहां उसने अपना यज्ञ को कराया, बेचारा गरीब था कैश तो दे ना सका, आपकी बात कहा पंडित जी महाराज और तो कुछ मेरे पास है नहीं, एक बकरी है इसे लेते जाओ 2 किलो रोज दूध दे दिया करेगी, तुम्हारे बच्चों का गुजारा चलता रहेगा। अब पंडित जी ने सोचा भाई जब कुछ नहीं मिल रहा चलो बकरी ले चलो ऋषि को बेच बाच के अपना या बच्चों का दूध पिएंगे, आजकल का वक्त तो था नहीं, लोग आके अक्सर रात को ही चलते थे, वो पंडित जी महाराज बकरी लेके चलते थे। जब गाँव के आ गए नजदीक तो उसी गांव के चार डाकू रात भर 2-3 गांव में उन्होंने डाका डाला पर किसी जगह पर डाका लगा नहीं, फिट बैठा नहीं मामला, जहां डाका डालने लगे घर वाले डाक पड़े, बड़े निराश होकर के वापस आ रहे थे, पंडित जी सामने आ जा रहे, वो कहते आज पंडित जी को बुला, कहने लगे यार गांव का पंडित है, कहने लगे तो क्या हुआ हमने इसको मारना थोड़ा ही है, इसकी बकरी छीन लेते हैं, बकरी को फिर दे देंगे, अपनी आज की दिहाड़ी पूरी हो जाएगी। चारों ने योजना बना ली, योजना बना के एक एक झाड़ी के पास बैठ गए, झाड़ नहीं होते एक एक झाड़ी के वहां बैठ के छुपके जो है बैठ गए, और पहली झाड़ी के पास जब पंडित जी बकरी लेके गुजरे तो चोर फटाक से निकला, पंडित जी महाराज पाए लागन पंडित जी महाराज तुम्हारा सत्यानाश होगा, पंडित और कुत्ते पालने लगे, हरे राम आने लो पंडित जी गाँव में चलो चलो गाँव में अभी सभा बुला के तुम्हारा बोलिया बिस्तरा गांव से उठवाते, पंडित को करके कुत्ते को पालते हो और कुत्ते को लिए चले जा रहे हो, मालूम होता है रात को खीर के अंदर भांग का घोटा बुला दिया है और कुत्ते को ले जा रहे हो। अब पंडित जी को चढ़ा उत्साह उस वक्त तो होश ठिकाने थी ना, कहना बे को कहीं तकल आ, अरे कहीं कुत्ते के सिर पर सींग होते देख, ये बकरी है कि कुत्ता है, कुत्ते के सिर पर सींग होते इसके थाने कुत्ते के कई थाने होते हैं, चल पागल कहीं का लोटेरा चल चल गांव में चलो पता लग गया। थोड़ी दूर आगे गए दूसरी झाड़ी में से दूसरा ठाक निकला है, उसने भी इसी तरह से पायल आगन करके 2-4 बातें और बना करके ऊपर से कह दी कि पंडित जी बस अब धर्म का सत्यानाश हो गया, अब धर्म का तख्ता निकल गया दुनिया से, जब पंडित जी कुत्ते पालने लगे तो फिर हम चोरी करने से डाका डाले पाप भी क्या है। सोचने लगे कि एक बात आया मैंने कहा था कुत्ता है और ये भी कह रहा है कुत्ता है, बकरी को खड़ा करके देखने लग गया कि यार नहीं थाने गया यार नहीं चिंग भी आ गया बेवकूफ है, मतलब 2 आदमियों का कहने से वो चक्कर में आ गया, आ करके मतलब बुद्धि में शक आ गया, यकीन डामा डोल हो गया, उसे भी गाली गोली निकाल के उसे सरका दिया। जब तीसरी झाड़ी के पास गया तीसरी झाड़ी में से चोर निकला उठा, उसने इससे भी और बातें जब नमक मिलाने की लगा करके कही, तब वो सोचने लगा एक आदमी गलत हो सकता है, 2 हो सकते हैं और फिर ये मेरे गांव के सारे आदमी हैं, गैर होते तो भी मैं मानता के लिए लुटेरे हैं, इसको तो बकरी को छोड़ ही देना ठीक है, ये बकरी नहीं है, वाकई मालूम होता है रात को जो खीर खाई थी ना उसमें सोने ने भाग डाल दिए और मेरे हाथ में कुत्ता पकड़ा दिया, अब आज तो उसके गले में से संगली खोल दी और बकरी को छोड़ दी, जब बकरी छोड़ दी संगली लेके वो कुछ आगे चला गया, सालों डाकुओं ने बकरी पकड़ी बेच के 10-10 रुपए बंद लिए। इसी तरह से माया कहती है स्वामी जी मैंने 4 ठग बनाए, जहां तुम्हारा मोमेंट जाएगा वही वही उनको बिठा दूंगा, एक ठग उनके पीछे लग जाएगा,
एक जगह ईमान नहीं गिरेगा, दूसरे जगह गिरेगा, तीसरे जगह गिरेगा। तुम्हारी चर्चा के टाइम पर तो मैं उनको मंदिर में आने दूंगी नहीं, ना वो चर्चा सुनेगा और ना वो तुम्हारी चर्चाएगा। स्वामी जी ने कहा कि वो चार चीजें कौन सी है? स्वामी जी तो फिर बात बिल्कुल आपने क्या हुक्म दिया जाता है सब सारे चीजें। अच्छा हमारा अधीन तो राजी के है, अरुण हाथ के जोड़ करके आप बता रही है कि मैं कौन सी चार चीजें छोड़ूंगी और वो चारों चीजें हमारे सबके घर में हैं जो हमें राजी से दूर कर रही। लेकिन हम बड़े शौक से ताने मारकर पतियों को सता कर, चाहे बेचारा पति कर्जे रहे चाहे कहीं से रहे, पर उस छात्र को ला करके घर में बड़े प्यार से रखे हुए हैं। अब वो चार छटके हैं, जरा उनके नाम सुन लो, बाकी आपकी मर्जी, चाहे उनसे बचो क्या उनके साथ फसो। एक बेईमानी औरत, कहने लगे जी एक तो बेईमान औरतों के ऐसे क्लब बना दूंगे नंगे डांसों के, और तुम्हारे मोमिन जाना तो पसंद करेंगे नहीं, तो मैं उनकी यार के दिल में दोस्त के दिल में बैठूंगी और टिकट ले आऊंगी, तो कहूंगी चल यार मंदिर डांस है ऐसा फसला सरसर और ऐसा फसला ड्रामा होना जिसको डांस होना चल टिकटा में दो लाया सीटा अपने अलग चल रहे, तो की सोचेगा यार मंदिर से एक महीने की चर्चा होनी है, एक महीने डांस होना ठीक है चल क्या तो कहेंगे तेरा क्या थोड़ा डांस करना चल चल पाएगा क्या। फिर अगर मानो वो नहीं भी उस चक्कर में आएगा कहना चल बड़ी मुश्किल ना साढ़े मंदिर चर्चा होने की, पंद्रह साल बाद मैं तेरे नाल जाना, मैं नहीं जाना चल जा जा तू किसने लगा, ये एक नु छ नहीं देगा तो दूसरा चोर चाड़ी में फिर छुपया पड़ेगा, वो क्या होगा? और बाजे बजावन हार, क्या लगे तुम्हारा प्रोग्राम होना है 8 से 10 और मेरा पंचरंगी प्रोग्राम करते हुए शुरू होना है 6 बजे, और नहीं भी होगा ऐसे वीडियो कैसेट लगा दूंगा कि घर में खाली बैठने को उनका दिल ये नहीं करेगा कि वाणी पढ़े कीर्तन पढ़े, पांच रुपया उन्होंने कुल खर्चने, टीवी से बैठ के 3-3 घंटे अखा अनिया करनी है, जेडी सुनी सुनाई वाणी होता एक पास जाओ रेखा याद रहेगी और दिनेश कुमार याद रहेगा, अपने ना जाने क्या दुनिया के कुमार का चढ़ा वो याद, बड़ी सोनी पिक्चर। बाजे बजावन हार, टू इन वन निकालूंगी, टीवी निकालूंगी और व्हाइट ब्लैक नहीं पसंद करेंगे तो रंगीन निकालूंगी, एक से एक बढ़ करके जो है उधर तुम्हारी चर्चा सवेरे मंगल आरती होगी शुरू 5 बजे तो दिल्ली के रेडियो का पंचरंगी प्रोग्राम 4 बजे और उससे ही वो स्विच ऑन करेंगे, क्यों जरा रेडियो की तान से लड़के की याद खुल जाती है और गाना भी लगा होगा मैंने एक लड़की पसंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली, ये सुनेंगे तेरे मोमिन तो कौन घड़ियाल बजाएगा, पुजारी का था घड़ियाल बजाऊ वो तो पीछे थी, कोई भी मंदिर जाना है मैं जाने दे ही नहीं, लगा दो अपनी चर्चा का और मेरे भी हथियार जबरदस्त है। तीसरे पढ़ने वाले इल्म के और उसके बाद कोई बचा कुचा हो भी गया तो साइंस को मैं इतना ऊंचा उठा दूंगी कि सारी दुनिया नास्तिक हो जाए। फिर स्वामी जी तुम पर प्रधान से वाणी ले भी आए हो तो क्या लिख रखा है, एक राजी एक श्यामा जी एक सखियां, इन्होंने ही तो बखेड़ा पा रखे है, ओ मैं ऐसे ऐसे नावल बनाऊंगी कि तुम्हारा मोमेंट जब थका थोका भी जरा आएगा तो बैठ के नावल बैठेगा, पत्नी कहेगी पति देव जी भोजन कर लो तू सिर खा मारे सारा दिन थके आया जरा तो मूड ठीक होने लगा तेन रोटी का ध्यापा पै गया क्या जा चला हटे, ओ जरा नावल है वो कदों रखेगा जदों रात दे तीन बजेंगे, क्योंकि मैं ऐसी आशिकाना स्टोरियां लिखूंगी उसके अंदर दिन रुआ ओ मेरी जान ओ मेरे महबूब, ऐसी ऐसी बातें वो पढ़ेगा, तुम कितने कहते हो तुम्हारा नाम भी प्राणा कहना कोई याद नहीं जानेगा, ऐसे ऐसे नाल मैया के भैया और चीजें लाऊंगी कि कोई तुम्हारा मोमिन वाणी में दिलचस्पी नहीं देगा। चौथे जादूगर और चौथे क्या होंगे,
तुम्हारे मोमनों का जब ईमान इतना कच्चा हो जाएगा तो जरा सा दुख सुख हम पे पड़ेगा, कई बात वही असर नहीं करेगी तो मैं की क्या करेंगी, वही परछाई पेगी परछाई। मुल्ला को ले दो, पीरा दी कबरों से चतना उछाओ, वो गुरुद्वारे ले दो, वो फला भाई को ले दो, और मुल्ला को ले दो मुंडे को बचाना, तब तो आते मोमिन डरते हुए तुम छड़ के अक्षरा तीर छोड़ के किथे चतना उछाण के पीरा दिया मोर दिया कबर के कुत्ते बदनामी चतना उछा रहे ने हाले ही कीर्तन कहना के गलत सच्ची बोलो बोलो सच्ची ये चार चीजें जो है स्वामी जी कहते हैं मैं तुम्हारे मोमनों के पीछे छोड़ दूंगी और तुम्हारा मोमन डाल के किसी ना किसी के चक्कर में तो आए भाई और तुम्हारे पास कोई यकीन नहीं रखेगा। जहाँ कहीं भी मोमेंट पाएगा मैं चारों पदों को इशारा चल इसके पीछे और वो चारों को पीछे लगा दूंगा किसी ना किसी चक्कर में फंसा के मैं अकेले मैं उसे ईमान से गिरा के तुम्हारे से दूर करूंगी। वो अपनी तरफ खींचेगा। स्वामी जी कहते हैं अच्छा फिक्र ना कर दूंगी जिनमें ईमान जो मेरा मोमिन होगा जिसने मेरी पहचान करनी होगी जिसने जान तो बुद्ध से मूल मिलावे में राजी के स्वरूप की पहचान करनी होगी तो चार कहती है ना चार हजार भी लुटेरे ठग बना लेना उनका कभी भी ईमान गिरेगा नहीं। वो राजी मराई के बिना किसी का आश्रय नहीं देगा और समझ जाएगा कि अगर ये मेरा लड़का राजी ने मुझे खेल में दिया है तो वो बचाएंगे और नहीं बचाते मतलब तो मर जाए लेकिन कभी भी देवी देवताओं के चरणों में जाके शीर्ष नहीं गिराएगा। वो एक भी हरफ जो है दुनिया वालों के कहने पर कभी यकीन नहीं लाएगा। काफरों के दिल में बैठ करके भले तू कुछ भी करते रहना मेरे मोमनों का दिल जो है ईमान जो है तू नहीं गिरा सकती। बड़ा शोर शराबा जो है माया ने किया मोमनों को गिराने के वास्ते। स्वामी जी कहते हैं मेरे मोमिन दुनिया के जीवने नहीं है मेरे मोमिन उतरे हैं अर्श से और मैं उनके साथ रहूंगा। देखता हूँ तू कैसे जो है माया मेरे मोमनों को जो है ईमान से गिरा देगी। इस वास्ते जो है उनका चित कभी भी माया में गिरेगा नहीं जिन्होंने राज्य की पहचान कर ली है ईमान पर खड़े हैं। कहने लगे जी एक मैं और भी हथियार बनाया। तुम्हारी आत्मा आके बैठी होगी वो सारे ने सारा खानदान तो परमधामा भी होगी ठीक। अगर तो जान लगे होगी ना उसके घर में से औरत तो मैं दज्जाल का रूप बन के किसके दिल में बैठ जाऊंगी उसके खबर तेनू मंदरा नहीं पेगी मैंने पता ना तू मंदिर जाके करती रहनी मैं उसके लिए ऐसा दज्जाल का चंडाल रूप बन जाऊंगा कि उसको मंदिर चढ़ ही नहीं दूंगा। और अगर कोई होगा आदमी उसके दिल में औरत के दिल में भी बैठ दूंगी और माया कह रही है वो जाएगा रोज रोज मंदिर सुबह भी मंदिर शाम को भी मंदिर रात को भी मंदिर तो मैं क्या कहूंगी अगर बाबा जी बदनामी से गया क्यों कोई का नहीं चले मेरा काम करने वास्ते चेंद्र हो गया क्या सारी ड्राई क्लीन की चुकनिया ना वो याद भी नहीं मंदिर बाबा नचते फिरते मैं उस परिवार के उन मेंबरों के दिलों में बैठ करके ऐसा तूफान खड़ा कर दूंगी कि आदमी होगी तो औरत के दिल में बैठ जाऊंगी औरत होगी तो उसके खाना के दिल में उसको बैठ कर इतना जलील और ख्वाल करूंगी कि वो रो रो के तो भले मंदिर जाए खास के मैं किसी को मंदिर जाने देना ही नहीं है तुम्हारी चर्चा तो सुनने देनी नहीं क्योंकि ये जो तुम्हारी चर्चा है ना इसका मुकाबला मेरे से नहीं किया जाता पर इस माया इस तुम्हारी चर्चा को धोने का प्रोग्राम मैं पूरा करके रखूंगी। स्वामी जी का जो सुनना था खबरदार रहना ये घर वाले खुद खेत कुटुंब कबीला ये सब हमारे दुश्मन है
अगर ये हमें राजी के रस्ते में जाते हुए रुकावटें डालते हैं फिर इनसे मत डालना। क्या करेंगे? मार डालेंगे, मार डालेंगे। राजी को मत छोड़ना, इनकी सेवा करना फर्ज है, क्या औरत है क्या आदमी। अपने कर्तव्य को, खानदान की शान को बट्टा मत लगने दो, राजी के चरणों में रहो। जब राजी का समय आए साफ कह दो तुम्हारे गुलाम नहीं, गुलामों को भी सातवें छुट्टी मिलती है। हम क्या राजी के दर्शन करने नहीं जा सकते क्या? 24 घंटे तुम्हारे घर के दर्द होते हैं, बच्चे दर्द करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों नहीं मंदिर जाएंगे? आओ हमारे पीछे देखो, कुछ बुरा काम हमारे से होता है, कुछ पाप हम करते हैं, कभी शक मंदिर जाना रुकना। चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, सत्य हृदय के अंदर हो, राजी के चरणों का आश्रय लेना। कभी भी घर कुटुम कबीले वालों से इस बात के लिए ना, हाँ जहां के खानदान की इज्जत का सवाल है, खानदान की इज्जत बराबर करना, पति को तो पति का मान सत्कार करना बराबर, उनकी सेवा करना बराबर, हर तरफ से कुटुम कबीले का परिवार का संभालना बराबर। लेकिन मंदिर में जाते समय अगर वो रास्ते में आराते हैं फिर जाने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी ने कहा अच्छा तू बैठ उनके दिल में। उस वक्त जो है स्वामी जी ने अखोट में बैठ के जबराइल और अतराफी को किया, ओ जबराइल अतराफी, एक एक मोमेंट की रक्षा करने के लिए फौजों को लेकर के इनके साथ रहना, उनके किसी भी अंग को कष्ट नहीं होने देना। अगर देश की राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर की बीवी चलती है रोड पर तो कितने इंतजाम हो जाते हैं। उसी वक्त स्वामी जी हुक्म देते हैं फरिश्तों को, जबराइल अतराफी भेज दिए दो अमर इतनी बरसा दी कि जबराइल अतराफी की सख्त ड्यूटी लगा दी कि कमांडो बन करके मेरे मोमनों के साथ रहना, किसी का भी कष्ट जो है ये नहीं मैं सुन सकता। रखेंगे मोमनों को अपना में, अपनी मेहर की दृष्टि में मैं अपने मोमनों को रखूंगा। श्री महामंत्री कहे तुम पर मोमनो दम दम जो बरतत सो सब इश्क कका बल बल मेहर करत। और जो है भानी दजाल की आस, दजाल जितना मर्जी जोर लगा लेगा पर जिसका ईमान पक्का है वो कभी भी राजकुमार के चरणों से जुदा नहीं बोल रहा है। अब स्वामी जी कहते हैं अगर मोमनों को जरा कष्ट पड़ा भी सही तो खुदा ने संदेशा भेजा, उसी वक्त जो है कबर मदीने में गिरी और रोड़ों से आवाज आई। मोमनों की शान के लिए हर जगह पर ग्रंथों में पहले से प्रमाण मोमनों ने लिखवा रखे, इसलिए तुम डरना नहीं। संसार के सारे ग्रंथ तुम्हारी महिमा को गा रहे हैं, हर ग्रंथ को उठा करके देखो। इस वास्ते सतगुरु श्री धनी देवचंद जी की जागृत बुद्ध लाई हुई जो है उसको लेकर के हमेशा याद रखना। फिर स्वामी जी कहते हैं सब ने सुन रखा है पैरों पहरों, मूसा पैगंबर के टाइम में ये मिस्र का राजा था, मिस्र का राजा, ये वाणी के अंदर भी हैरून फैरून आता है पर हमारे कई सुंदर साल बेचारे इन बातों को जानते नहीं। ये पुराण का किस्सा मूसा पैगंबर मिस्र में जब फैरून बादशाह राज कर रहा था तो मिस्र में दरिया जो चलता है उसका नाम है दरियाए नील। तो जैसे बाली ने सुग्रीव को मार पीट करके राज छीन लिया था और उसको जंगलों में भेज दिया था, इसी तरह से फैरून बादशाह ने फैरून उसका जो छोटा भाई था उसको मार पीट करके उसका धन भी और बीवी भी छीन करके जंगलों में भेज रखी थी, जंगल में धक्के कर देने के भेज दिया था। मूसा पैगंबर कोई तूर के ऊपर बैठकर तपस्या कर रहा था, खुदावन ताला का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा पैगंबर दुनिया के अंदर जो है मेरे नाम को जो है जाहिर करो। आप वो बिचारा खुदा के नाम से जाहिर जो करे तो मूसा जो वो फैरून बादशाह था वो बिल्कुल रावण जैसा था। जब पता चलता था कि मूसा पैगंबर जो है खुदा की पूजा करा रहा है तो वो क्या कहता था, कोई खुदा उदा नहीं है, खुदा मैं हूं। और जिसको वो मूसा पैगंबर खुदा पर यकीन दिलवाता था उसकी गुजरता देता था। तब मूसा पैगंबर ने खुदा से प्रार्थना की, ऐ मेरे अल्लाह ताला, वो बादशाह मैं फकीर, मेरे पास केवल वाणी है,
और उसके पास तलवार है, तो बादशाह का मुकाबला तो कोई बादशाह ही कर सकता है। इसलिए मुझको एक बादशाह ऐसा दो जो मेरा भाई को, भाई से मतलब सुनती है कि जो तेरे पर यकीन रखता हो और उसके साथ मैं मिलकर के फिर फैल उनको जो है तबाह कर सकता हूं। तब खुदावन ताला ने उसको मूसा को एक छड़ी, आज भी बाइबल को उठा करके देखो मूसा की छड़ी मशहूर है, वो जादू की छड़ी कहती खुदा ने बख्शी कि छड़ी को तू जो हुक्म करेगा ये तेरा काम करेगी, और एक रुमाल दिया और क्या कहा कि हैरून जो है इस फैरून का भाई वो जंगलों में धक्के खा रहा है, उसको बुला ले, उसके सिर पर ये रुमाल रख दे, वो अपनी फौज जितनी थोड़ी बहुत है वो इकट्ठी करेगा और कुछ तू अपने मोमिन जो है फार्मर जो है तेरे उनको इकट्ठा करके हमला कर देना किसके ऊपर, फैरून के। लेकिन दरिया नील के ऊपर पुल नहीं है, अपनी छड़ी को हुक्म देना पुल बन जा तो ये पुल बन जाएगी, समझ लग रही, जब ये पुल बन जाएगी तो हैरून को कहना फौज लेकर के जाके बिगल बजा देवे, तो जब बिगल बजाएगा तो हैरून फैरून का तो मैं मुकाबला कर नहीं सकता, इसके पास थोड़ी आदमी होंगे, उसके पास सेना होगी तो लड़े नहीं पीछे पीछे हैरून जो है पीछे पीछे हटता जाए और फैरून अपनी फौजों को लेकर के वो पुल के ऊपर आता जाएगा, उसकी अकल से ऐसा पर्दा पड़ जाएगा अभी ये पुल आया किसो, पुल तो था नहीं, वो पुल को समझ करके पुल के ऊपर आ जाएगा, जिस वक्त फैरून सारी फौजों के तहत पुल के बीचों बीच आ जाएगा तो तू अपनी छड़ी को खींच लेना। ऐसा ये प्रैक्टिकल हुआ, ये बातुनी बातुनी हुई, ये जहरी हुई, और वो फैरून बादशाह जो है अपनी सेना के साथ दरिया नील में गर्क होके मर गया। अब ये पुराण भी जब खोला था तब अब घटाओ इसको वाणी पर, इतना सा फर्क है, फैरून कौन है औरंगजेब, हैरून कौन है और मूसा पैगंबर कौन है स्वामी जी, और उनके पास जादू की छड़ी क्या है ये वाणी। अब इसको लेकर के जो है आप स्वामी जी रामदास जी को कहते हैं कि अब जो है माया से और अंग्रेज से इनसे लड़ने के वास्ते जब तक हमें हमारा भाई कोई राजा नहीं मिले तब तक जो है उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। तो मैं खबर गई दुनिया ये बातें जो है सब समझा दी गई, नहीं तुमको मैं स्वामी जी कहते चिंता मत करना, कितने भी संकट आ जाए कितनी बीमारियां आ जाए चिंता न कर, मैंने तुमको वो छड़ी कौन सी दे दी है, मैं देही कुलजम तुमको, मैं देही कुलजम तुमको और किया सबों गरक, पढ़ो मेरे इल्म को तो मिटे तुम्हारा शक। ये है छड़ी, कहते कोई भी दुख आए घबराना नहीं, चुपचाप करके जिसके घर में राज्य नहीं है सेवा पधराओ। कई सुंदर के घर सुनता हूं अली जगह ही छोड़ी रखा के किसे कहने वास्ते छह फुट का पलंग है और राज्य के लिए एक फुट की जगह नहीं, अरे नहीं भोग लगाया जाता मत लगाना यही डर लगता है ना, क्योंकि महाराजों ने हम गृहस्थियों को इतना डरा रखा था, अरे राज्य ना मार देना, तुम गृहस्थी हो तुमको पाप लगेगा, तुमको भोग नहीं लगेगा, तुमसे ये नहीं होगा, हम लोग गृहस्थी कर व्यक्ति पे राज्य तो रह लीजिए कर बस हाथों भोगना लगे तो पाप केवल तुम्हारे भाव प्यार श्रद्धा के सवेरे उठो अगरबत्ती एक दिला और बड़े प्यार से उनको आवाहन करो, जैसे दुनिया वाले अपने देवी देवतों को बुलाते हैं तो तुम आवाहन क्या करो, आओ जी वाला मारे तीन रुपये बस, उसके बाद कुछ नहीं बोलिया जाता,
पूर्ण ब्रह्म बोल लो, आरती बोल लो। वो आरती क्या कहती है? सुख को निदान दे रे, सुख को जो सुख के देने वाला अक्षादीप पार ब्रह्म तुम्हारे घर है, जब उसका आवाहन और पूजा कर लोगे तो दुनिया की शक्ति कौन सी है जो तुम्हें दुखों में डाल दे। पर हम इतना भी करते उनके बॉर्डर की क्या जरूरत है? आधे से ज्यादा यहाँ धनदाता हैं जिनके घरों में डाल दी। हकीम ने नहीं कहा कि जुदा जो है कमरा सजाओ या जुदा जो है उनके लिए पालकियां बनाओ, वो अलमारी का नाम जो करके उस अलमारी में से बना। जब पढ़ना हो रेल पधरा दो और जब पढ़ लो राजी खुश में पधरा दो। वही हो सके तो भाई जेड़ी रोटी आप खाओगे छोलिया दी मिस्सी छोटा कुछ तक खाओगे वो राजी देके खाली रख के जान जा। जिस तरह देवचंद जी ने जंगल के बिच भोग बनाया किसको भोग लगाया था? पठान मेरे पठान तूने मेरी गच्छी उठाई है तुम ही आ। राजी को दो मिनट का भाव से भोग लगा, बस कुछ कर्म कांड किसी प्रकार के कर्म कांड में फंसना नहीं नया गया ना दे। नहाने को देखना है कि अंदर निर्मल को देखना है, बाहर के नहाने और ना नहाने से क्या है? वो तो आज के युग में किसी को कहने की जरूरत ही नहीं। मानवता का नाता ही ऐसा है, कौन मानव है जो नहाए बिना रहे? मानव कोई बुखार है या कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, नहीं भी नहाए तो फिर बात नहीं। राजी को भोग लगाना क्या मुश्किल है? इन कर्म कांडों से बाहर निकल आओ, सुंदरता जी बैज के वाणी पढ़ो, अपने धनी का सुमरण करो, उस वाणी को याद करो। राजी महाराज की केवल अगरबत्ती से ही आरती उतार दो, वो तुम्हारे भाव करो। कर्म कांडों से बाहर निकाल दो। रोज बोलते हो ड्रैगन फांस के सो फंदा फिर निकले नहीं अंदर। राजी करने बुलाए जाते क्यों नहीं बुलाए जाते? और जिन्होंने नहीं बुला रखे क्यों नहीं बुला रखे? किस बात के बदनामी बने हुए हो? तुमने तो वो क्या रखा है बाल विवाह, जिदा अगर 2.5 साल 3 साल की कुड़ी का विवाह हो जाता थी ना तो उस बाद गौरव होता 18-20 साल बाद वो बाल साढ़ा दस ना मिल गया व्या गया हो हूं पता नहीं खावन के पता नहीं क्यों 2.5 साल की कुड़ी 18 साल बाद खावन पहचान सकेगी क्या? सवाल सा दस नह लिया पता नहीं खावन कौन है भाई। आपने खावन नो कर लियाओ गौणा कर लो राजे नो कर लियाओ कर लिया के उनकी सेवा फिर देखो होता क्या। खाली घर राजी पधरा के आरती और भोग और थोड़ा जिस वक्त दिन में टीवी लगाते हो ना उतनी देर बैठ के राजी पढ़ फिर देखना घर में दुख आते हैं कि सारे दुख घर से भागते हैं। आज मां करके देखो स्वामी फिर आगे क्या कहते हैं? इनको किया गलत काम, दुनिया को मैंने सबको गलत कर रखा है। जिस घर में कुल जम सुख होगा वहां कोई भी दुखा नहीं सकता। ये स्वामी जी की वाणी कि मैंने दही कुलजम तुमको और किया समो बोलते दो किया समो जहां कुलजम सुख की वाणी होगी वहां किसी की शक्ति तुम्हारे घर पर आकर के प्रहार दुख का नहीं कर सकती। पढ़ो मेरे कलाम को मेरी वाणी को पढ़ के जरा देखना तुम्हारे सारे शंसे मिल जाएंगे तब तुम्हें यकीन आ जाएगा।